हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आज मैं आपके लिए, ये देखिए ये कितना ब्यूटीफुल पैटर्न है, ये बनाना सिखाऊंगी आज मैं आपको। और बहुत ही इजी पैटर्न है, जितना दिख रहा है उतना क्रिटिकल है नहीं है। तो आप चाहें तो इससे टेबल रनर बना सकते हैं, शॉल बना सकते हैं, किसी जैकेट में डाल सकते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबा दीजिएगा, जिससे मेरे आने वाले वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो देखिए, इसके लिए मैंने क्रोशिया लिया है 4 mm का, आप जितना चाहें उतना ले सकते हैं। और ये यार्न है 4-ply। तो देखिए, अगर आप शॉल बना रहे हैं तो आपको इस तरीके से लंबाई में ये ले लेनी है जितनी आपको चाहिए। तो हमें चैंस लेंगे हम 12 के मल्टीप्लाई प्लस 3 चैंस लेंगे, ठीक है। तो इतनी हमें यहाँ पैटर्न के लिए चाहिए 12 की मल्टीप्लाई प्लस 3। तो ये मैंने 36 ही लिए हैं, 36 प्लस 3 तो ये हो गए 39, ठीक है। इसके बाद हम बनाएंगे चैन 2, 1, 2। यहाँ से 1, 2, 3 स्टिच छोड़ेंगे और जो फोर्थ वाला है उसमें हम 1 डबल क्रोशिया बना लेंगे। 1, 2, 3, तो फर्स्ट रो हमें हर एक स्टिच में एक एक स्टिच बनाना है 1 डबल क्रोशिया। तो इसको मैं लास्ट तक बना लेती हूँ। तो ये देखिए, हमने लास्ट तक ये फर्स्ट वाली रो बना ली है। बनाएंगे चैन 3, 1, 2, 3, इस तरफ पलट लेंगे। तो ये फर्स्ट हमारा 1 डबल क्रोशिया है, चैन 3, और ये सेकंड और ये थर्ड। तो फर्स्ट स्टार्टिंग में और लास्ट में हम 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। अब यहां से हमारा पैटर्न शुरू होगा। तो बनाएंगे चैन 3, 1, 2, 3। अब देखिए, हम ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे, धागे को 2 बार लपेटेंगे, यहां से 1 स्टिच छोड़ेंगे और यहां पर हम ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे। ये देखिए, 2 में से निकालेंगे, फिर हम 2 में से निकालेंगे और फिर लास्ट में 2 से। ये हमारा ट्रिपल क्रोशिया हो गया। फिर से ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे, 1 स्टिच छोड़ेंगे और 1, और सेकंड वाले में ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे, ये 1, ये 2, ये 3। फिर से ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे, 1 स्टिच छोड़ेंगे और सेकंड वाले में ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे, 1, 2, 3। तो ये हमारे 3 ट्रिपल क्रोशिया को हमें 4 बनाना है। 1 स्टिच छोड़ा और यहाँ पे भी ट्रिपल क्रोशिया बना दिया, 1, 2, 3। तो ये देखिए, इस तरीके से आया। फिर से चैन 3 बनाएंगे, 1, 2 और 3, और देखिए 1 स्टिच छोड़ेंगे और फिर से 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1, 2 और ये 3। फिर से चैन 3 बनाएंगे। देखिए, अब हमें वही रिपीट करना है, हमने चैन 3 बनाई, 1, 2, 3, और यहाँ से 1 स्टिच छोड़ेंगे और सेकंड वाले में ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे, 1, 2, 3। फिर 1 स्टिच छोड़ेंगे, उसके आगे वाले में ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे, 1, 2, 3। फिर 1 स्टिच छोड़ेंगे, उससे आगे में ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे, 1, 2, 3, और फिर 1 स्टिच छोड़ेंगे और 1 ट्रिपल क्रोशिया और बनाएंगे। फिर चैन 3 बनाएंगे, 1, 2, 3, और यहाँ से 1 स्टिच छोड़ के 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो यही हमें बार बार रिपीट करना है। तो जितना ही बड़ा आप बनाएं उतना बड़ा बना लेंगे। तो मैं लास्ट तक मैं इसको बना लेती हूँ। तो देखिए, लास्ट तक बना लिया हमने, और देखिए लास्ट में यहाँ पे हम बनाएंगे चैन 3, 1, 2, 3, 1 स्टिच छोड़ेंगे और यहाँ पे हमारे 3 स्टिच ही बचे हैं। देखिए, 1, 2, और ये जो थर्ड हमने एक चैन बनाई थी, 3 चैन्स बनाई थी, वो भी हमारे एक 1 डबल क्रोशिया है। तो यहाँ पे हमें 3 स्टिच बनाना है, 1, 2, और ये जो चैन 3 बनाई थी इसकी फर्स्ट वाली यहाँ स्टिच में 1 डबल क्रोशिया बना देंगे। अब देखिए, वापस से चैन 3 बनाएंगे, 1, 2, 3, इस तरफ पलट लेंगे और ये जो 3 हैं इन पे हर एक स्टिच पे एक एक स्टिच बना लेंगे। चैन 3 हमारा फर्स्ट डबल क्रोशिया है, तो इसको तो हमने बनाना नहीं है, ये 2 स्टिच हैं, इन पे 1 डबल क्रोशिया बना लेंगे। अब देखिए, चैन 3 बनाएंगे, 1, 2, 3,
और देखिए ये जो फोर स्टिच हैं इन पे हमें एक एक सिंगल स्टिच बनाना है। सिंगल स्टिच के लिए देखिए सिर्फ हमने एक बार स्टिच ये इस तरीके से 1, 2, 3 और ये 4। फिर चैंथी बनाएंगे 1, 2, 3 और ये जो 3 डबल क्रोशे हैं इन पे हम 3 डबल क्रोशे बनाएंगे 1, 2 और ये 3। फिर से चैन 3 बनाएंगे 1, 2, 3 और ये जो 3 स्टिच हैं ये 4 स्टिच हैं इन पे हर एक पे सिंगल स्टिच बनाएंगे। इसी तरीके से ये वाली रो बना लेंगे हम। तो ये देखिए ये हमारी थर्ड वाली रो भी लास्ट तक हमने बना ली है। देखिए अब फोर्थ वाली रो बनाएंगे, चैन 3 बनाएंगे 1, 2, 3 इस तरफ पलटेंगे और ये जो 2 स्टिच हैं इनमें एक एक स्टिच बना लेंगे 1 और ये 2। अब देखिए हमें 4th और 5th रो सेम थर्ड वाली रो की तरह ही बनानी है, इसमें कोई चेंज नहीं करना है। तो थर्ड वाली में हमने किस तरीके से बनाई थी, ये हमारी 1, 2, 3 और ये 4th वाली बनाएंगे, चैन 3 बनाएंगे और ये जो सिंगल स्टिच हैं इन पे एक एक सिंगल स्टिच बना लेंगे 3, ये 4। फिर से चैन 3 बनाएंगे 1, 2, 3 और डबल क्रोशे पे हमें डबल क्रोशे बनाना है, चैन 3 बनाएंगे और सिंगल स्टिच पे सिंगल स्टिच बनाएंगे। तो ये हमें 3rd, 4th, 5th सेम बनानी है। तो इतने में बना लेती हूँ, फिर आपको 6th वाली रो बताऊंगी। तो ये देखिए ये मैंने बना लिया है 1, 2, 3, 4, 5th रो बनी है। अब 6th रो बनेगी, तो 6th हमारी बिल्कुल सेम जो हमने 2nd वाली रो बनाई थी वैसे ही बनेगी। तो चैन 3 बनाएंगे और देखिए ये 2 डबल क्रोशे बना लेंगे 1 और ये 2। अब देखिए हमने यहाँ पे चैन 1 का स्पेस दिया था, तो यहाँ पे हम चैन 1 का स्पेस देंगे, चैन 1 और ट्रिपल क्रोशे बनाएंगे। देखिए 4 स्टिच हैं इन पे 4 पे 1, 2, 3। फिर से चैन 1 का स्पेस देंगे और ट्रिपल क्रोशे बनाएंगे 1, 2, 3। फिर से चैन 1 का स्पेस देंगे, सॉरी मैंने यहाँ नहीं दिया, चैन 1 का स्पेस देंगे और फिर ट्रिपल क्रोशे बनाएंगे 1, 2, 3। फिर से चैन 1 का स्पेस देंगे और ये ट्रिपल क्रोशे बनाए। तो ये हमारे चारों ट्रिपल क्रोशे बन गए, जैसा सेम हमारा यहाँ था वैसा ही सेम हमारा यहाँ पे बन गया। फिर से चैन 1 बनाएंगे और देखिए यहाँ पे ये जो 3 डबल क्रोशे हैं इन पे 1 डबल क्रोशे बना लेंगे 1, 2 और ये 3। फिर देखिए फिर चैन 1 बनाएंगे और ट्रिपल क्रोशे बनाएंगे, चैन 1 बनाएंगे ट्रिपल क्रोशे बनाएंगे 4 पे, फिर चैन 1 बनाएंगे यहाँ 3 डबल क्रोशे बनाएंगे। इसी तरीके से इस रो को भी मैं पूरा कर लेती हूँ। तो ये देखिए मैंने 1, 2, 3, 4, 5, 6 और ये 7 रो टोटल बनाई हैं। तो देखिए अब यही वाली जो हमारी फर्स्ट वाली रो है वही यहाँ पे बनेगी। तो हमें सेम इसी तरीके से हर बार बनाना है। मैं एक बार और आपको एक रो बता देती हूँ ये वाली। तो देखिए चैन 3 बनाएंगे 1, 2, 3 और देखिए इस तरफ पलट लेंगे। अब देखिए हमें हर एक स्टिच पे एक एक स्टिच बनाना है। तो ये जो 3 हैं इन पे 1 बनाएंगे 1, 2, फर्स्ट वाली हमारी चैन 3 है और देखिए ये चैन 1 के स्पेस में एक 1 डबल क्रोशे, एक स्टिच हम देखिए यहाँ 1 डबल क्रोशे, ये 3 ट्रिपल क्रोशे पे ट्रिपल 1 डबल क्रोशे बनाएंगे, एक स्टिच यहाँ बनाएंगे, एक स्टिच यहाँ, 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 एक यहाँ और हर एक स्टिच पे 3 डबल क्रोशे पे 3 डबल क्रोशे। तो देखिए बार बार हमें यही रिपीट रो बनानी है। तो ये आपको अगर ज़्यादा बड़ा लग रहा है कि जैसे इसमें स्पेसेस ज़्यादा दिख रहे हैं तो आप छोटे क्रोशेज बनाए हैं, 4 mm की क्रोशे से बनाए हैं तो इसमें ज़्यादा स्पेस दिख रहे हैं। तो अगर आप चाहेंगे आपको थोड़ा बारीक पैटर्न चाहिए, छोटा चाहिए, तो आप इसको छोटे क्रोशे से भी बना सकते हैं। तो देखिए बन के बहुत ही सुंदर लग रहा है देखिए, और बनाना भी कितना इजी था। तो फ्रेंड्स अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और अगर आपकी कोई क्वेरी हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।